हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे चैनल स्टे ट्यून्ड विद श्वेता। तो चलिए बनाते हैं डिनर। और डिनर में मैं क्या बनाऊँ, मैं वही सोच रही हूँ। मार्केट गई थी क्योंकि आज बाजार था यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारी हरी सब्जी लेकर के आई, मटर भी लेकर के आई, मेथी भी लेकर के आई, धनिया पत्ती लेकर के आई। ठंडी के सीज़न में बहुत सारी हरी सब्जियाँ मिलती हैं, तो मैंने यहाँ पे मेथी और मटर, मैंने सोचा चलो मेथी मटर बनाया जाए, क्योंकि ठंडे के सीज़न में मेथी मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए सॉफ्ट वाले छोटे दाने वाले मटर ज़्यादा अच्छा लगता है मेथी मटर में। तो मैंने यहाँ सारे मटर को छील लिया है, उसके बाद फिर मैं सारे मेथी के पत्तों को अलग कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे पत्ते अलग कर लिए हैं, बिकॉज पत्ते ही यूज़ करना है, उसकी डंठल को नहीं। फिर मैंने इसे बारीक काट लिया है, सारे मटर को मैंने अलग कर लिए हैं छिलकर। फिर मसाले के लिए मुझे एक प्याज, बड़े वाले टमाटर नहीं थे तो दो टमाटर, छोटे वाले चार मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा, इन सबको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास बड़े वाले टमाटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने दो छोटे वाले टमाटर ही यूज़ किए हैं। हरी मिर्च यूज़ की है मैंने, क्योंकि लाल मिर्च बहुत तीखा हो जाता है, तो हरी मिर्च मैंने यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ फ्राई पैन कढ़ाई में तेल यूज़ कर लिया, तेल डाल लिया है, थोड़े से कम तेल डालकर बनाना है, कम मसाला यूज़ करना, क्योंकि मेथी मटर में ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए होता है। एक साइड मैंने सेवई बना लिया, क्योंकि सबका डिमांड था सेवई खाने का, तो एक साइड मैंने सेवई चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया सेवई में, थोड़ी सी चीनी मैं यहाँ मसाले में भी यूज़ करूँगी मेथी मटर में, क्योंकि मेथी कड़वा होता है, तो उसके कड़वाहट को कम करने के लिए चीनी यूज़ किया जाता है। तो छोटे वाले चम्मच थे इसलिए मैंने ज़्यादा, तीन चार चम्मच ही डाला है सेवई में, मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ मसाले में भी थोड़ा सा चीनी यूज़ किया है, ताकि मेथी के कड़वाहट को कम कर सके। फिर मैं नमक एंड बाकी सारे मसाले जो मेरे पास अवेलेबल है, हल्दी, हल्का सा मिक्स मसाला और थोड़ा सा लाल चिल्ली पाउडर डालूंगी। लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि मैं घर में बस लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के रखती हूँ, अलग से कोई मसाला ऐड नहीं करती। मैं मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना कर रखती हूँ, जिसे मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। तो आप भी बना कर रख सकते हैं, इजी होता है, झटपट बन जाती है सब्ज़ी, मसाले पीसने की झंझट ही नहीं रहती। तो मैंने यहाँ एक चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट यूज़ किया है। मैंने पानी बॉयल करके रख लिया था, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मसाले को भुनने देंगे, तब तक भुनेंगे जब तक कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। यहाँ ऑलमोस्ट मेरी सेवई होने पे है, तो थोड़ा सा मेथी को भूनने देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मटर डालूंगी। तब तक मैं यहाँ रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ।
और आप ये सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूरी, पराठा, नान, रोटी, अच्छा लगता है रोटी के साथ। मेरे घर में सब रोटी ही ज़्यादा पसंद करते, पूरी पराठा नहीं, तो मैं यहाँ रोटी बनाऊँगी। और ये मैं लास्ट में मेयोनीज़ ऐड करूँगी जो कि मैंने घर में बनाया है। किसी को भी अगर रेसिपी चाहिए मेयोनीज़ की तो आओ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे पास क्रीम नहीं था इसलिए मैं मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। मेयोनीज़ डालने से क्या होता है ना कि पूरा रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है एंड बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, मेयोनीज़ डालकर किसी भी सब्ज़ी में, पनीर की सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी, किसी भी सब्ज़ी में अगर मेयोनीज़ डालोगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैं मटर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, इसको पकाऊँगी ढककर अच्छे से, तब तक सेवई भी मेरा हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगी। फिर मैं इधर रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी अच्छे से भुन गई है, अब मैं थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़े से मटर और सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी अच्छा लगता नहीं मेथी मटर में, तो थोड़ा सा यूज़ करूँगी। मेरे पास मलाई नहीं था, वरना इसे मेथी मटर मलाई बोलते हैं, जो कि मैं घर पे हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने मेथी मटर मलाई बना लिया है, थोड़ा सा होने देते हैं उसको, तब तक मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट होने पर ही है सब्ज़ी, तक यहाँ मैं रोटी सेक कर रख लेती हूँ क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है। तो सब्जी बनकर तैयार है एंड रोटी भी बन चुकी है, तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी। एक बार ट्राई आप ज़रूर करना। Thank you.